हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं VN वीडियो एडिटर के अंदर आप अपनी वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं VN वीडियो एडिटर का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो एक ट्यूटोरियल होने वाला है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप VN वीडियो एडिटर में एडिटिंग के सभी फीचर्स को देख पाएंगे कैसे यूज़ करना है। सो गाइज, अगर आपने VN वीडियो एडिटर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। सो गाइज, जैसे ही आप VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइज, आप लोअर साइड में आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन सेकंड नंबर पे, आपको सिंपली इस पे टैप करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइज, यहाँ से आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं वो वीडियो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दो वीडियो क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमलाइन में हमारी जो वीडियो क्लिप्स है गाइज, वो इंपोर्ट हो चुकी है VN वीडियो एडिटर में। सो गाइज, यहाँ पे आप ऊपर वाले टाइमलाइन टैप टू ऐड म्यूजिक पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वॉइस की, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं और म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से गाइज, आप अपने स्टोरेज के माई म्यूजिक में कोई भी म्यूजिक अगर आपको पसंद आता है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे, लाइक ब्लॉग, पॉप, एपिडेमिक, जिस भी म्यूजिक को आप ऐड करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इस म्यूजिक को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। जैसे ही चूज करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा गाइस। यहाँ से आप म्यूजिक का वॉल्यूम हाई लो कर सकते हैं, और म्यूजिक का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट आपको पसंद आता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फेड इन फेड आउट इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, आपको म्यूजिक बीट्स अगर ऐड करना चाहते हैं आप इस म्यूजिक में, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके म्यूजिक बीट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देने के बाद गाइज, आपको सिंपली ये राइट वाले टिक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका जो म्यूजिक है गाइज वो आपके टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। देन गाइज, यहाँ पे आप टैप टू ऐड सबटाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने वीडियो का सबटाइटल दे सकते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। और यहाँ से गाइज, आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाह रहे हैं उसे टाइप कर लें अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गाइज, आपको अलग अलग फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे अगर आप इसका पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड जहाँ पे भी आप इसे सेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आप टैप टू ऐड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से गाइज आप अपनी किसी भी पिक्चर्स या फिर वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर अगर ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो को इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी भी पिक्चर या फिर वीडियो लेयर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसे वीडियो लेयर या फिर पिक्चर लेयर आप कह सकते हैं। इसे गाइज, आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं टाइमलाइन पे इस लेयर को, तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो बेसिकली कुछ इस तरह से आप किसी पिक्चर लेयर या फिर वीडियो लेयर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल हम इसे यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के तमाम फीचर्स आपको लोअर साइड में देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन टैम्पलेट्स की, तो गाइज यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को टैम्पलेट्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक टैम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो टैम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे, उनके थ्रू आप यहाँ पे अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो आपका क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, यहाँ पे आपको फिल्टर देखने को मिल जाएगा। गाइज, यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिक फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने वीडियोस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, जिससे कि आपके पास अगर कोई प्रीसेट है, प्रीसेट की फाइल है, तो आप यहाँ पे VN वीडियो एडिटर में इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज, आपको अलग अलग कस्टम ओरिजिनल एस्थेटिक
क्रिएट एसेंस, ये सब फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, फॉग, लव, मूड, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। और साथ ही इंटेंसिटी, ओपेसिटी, इसका कम ज़्यादा करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको फिल्टर अच्छा लगता है वो आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं एक्सपोजर, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है, आप मैन्युअली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है स्पीड का, यहाँ से आप अपनी वीडियोस को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको एक कर्व देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे गाइज आप इस सर्कल को ऊपर करते हैं तो गाइज आपका जो वीडियो है फास्ट हो जाएगा, और नीचे करते हैं तो गाइज आपका वीडियो जो है स्लो हो जाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कर्व को सेट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्लो मोशन और फास्ट मोशन आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस क्लिप में मैं आपको यहाँ पे स्पीड, स्लो मोशन और फास्ट मोशन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आप इस एप्लीकेशन में अपनी वीडियोस को स्लो और फास्ट मोशन में एडिट कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप वीडियो का रेगुलर यहाँ पे स्पीड का जो मोशन है गाइज स्लो और फास्ट का रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर स्लो रखना चाहते हैं स्लो ही रख सकते हैं, और फास्ट रखना चाह रहे हैं तो फास्ट भी रख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप स्प्लिट का ऑप्शन देख सकते हैं, इसके थ्रू आप अपनी वीडियोस को कहीं से भी किसी भी पार्ट से आप स्प्लिट कर सकते हैं। एंड इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप वहां पे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। इस VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में गाइज बहुत सारे अमेजिंग सिनेमैटिक ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है गाइज अपनी वीडियोज़ में। और यहाँ पे आप जूम इन, जूम आउट और बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। और साथ ही अगर आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इस ट्रांजिशन का आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड गाइज, अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल ट्रांजिशन पसंद नहीं आते तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है मैट ट्रांजिशन का। सो गाइज, आप मैट ट्रांजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालाँकि मुझे उतना पसंद नहीं आता गाइज ये मैट ट्रांजिशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजिशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही आप ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस के आइकन के जगह ट्रांजिशन वाला जो आइकन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, यहाँ पे आपको ट्रिम देखने को मिल जाएगा। बेसिकली गाइज, अगर आप अपनी वीडियोस का कोई भी पार्ट रखना चाह रहे हैं तो आप उसे ट्रिम करके रख सकते हैं। आपको सिंपली उस पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और देन उसके बाद टिक ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो वो पार्ट आपने जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है, फिलहाल हम इसे अंडू कर लेंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पे एफएक्स देख सकते हैं, इफेक्ट इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का गाइज एक इन्फ्लुएंटर ऑप्शन है गाइज ये एफएक्स, इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी वीडियोस में अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका वीडियो काफ़ी अमेजिंग दिखने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज अलग अलग यूनिक तरीके के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस में अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो इफेक्ट्स आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइज, आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, इसके थ्रू गाइज आप अपनी वीडियो के वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड गाइज, इसके अलावा यहाँ पे बीजी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाह रहे हैं। इसके बाद गाइज आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन, इसके थ्रू आप अपनी वीडियो का जो रेशियो है गाइज वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आप अगर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन गाइज, यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी वीडियोज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में गाइज रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को। कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियोस को मिरर और फ्लिप के थ्रू यहाँ पे ओपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको गाइज फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके थ्रू गाइज आप अपने वीडियो किसी भी पार्ट को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपका वीडियो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फोटो है गाइज वो फ्रीज हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है आपका वीडियो। यहाँ पर आपको एक रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को रिवर्स डायरेक्शन में प्ले कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको जूम का देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू गाइज आप अपनी वीडियो को किसी भी एंगल में जूम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप जूम लेफ्ट कर सकते हैं, जूम राइट कर सकते हैं, मूव लेफ्ट मूव राइट कर सकते हैं। यहाँ पे उसे अप्लाई करते हैं गाइज, तो आपका जैसे कि मूव लेफ्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका जो वीडियो है गाइज धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मूव होगा। मूव राइट करते हैं तो राइट की ओर धीरे धीरे मूव होगा। तो इस तरह से आप जूम फीचर का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इन सभी फीचर्स और ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सभी यहाँ पे फीचर्स और ऑप्शंस आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद गाइस आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एडिट वाला वीडियो भी। यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है, FPS सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, बिटरेट सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली राइट टिक पे आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइज आप पब्लिश भी कर सकते हैं अगर अपनी वीडियो को पब्लिश करना चाहते हैं तो, और अगर एल्बम अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। कोई वाटरमार्क नहीं आएगा गाइज, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली सेव टू एल्बम पे आपको क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइज ये था VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको सभी फीचर्स और ऑप्शंस बताए हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अब आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं VN वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के थ्रू। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा गाइज। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए।